संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। ये 150 ग्राम बादाम हमने रात में भिगो करके रख लिया है और इसके पूरी तरह से छिलके उतार कर रख लिए हैं। ये देखिए पूरे छिलके हमने उतार लिए हैं। 1 कप दूध, 2 चम्मच घी, देसी घी का यूज कर रहे हैं, 3-4 चम्मच शक्कर, थोड़ी सी इलायची पाउडर बना लिया है और 10-12 केसर के धागे। शुरू करते हैं। मिक्सी का जार लेंगे और इसमें अपने बादाम डालेंगे जो कि हमने छील करके तैयार कर लिया है। ये बादाम हमने पीस करके तैयार कर लिया है और जो दूध बचा था उसी में अपने बादाम हमने घोल लिए हैं। गैस पे पैन रख दिया है, अब गैस ऑन करेंगे। इसमें घी डालेंगे 1 चम्मच, घी को ज्यादा गर्म नहीं करना है। ये हमने बादाम जो पीस करके तैयार कर लिया है वो डालेंगे। इसे बराबर से चलाते जाएंगे, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अगर हो सके तो पैन वाले ही कढ़ाई यूज करें। गैस को मद्धी कर दिया है और इसे बराबर से चलाएंगे और गैस को मद्धी ही रखेंगे और इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। थोड़ा गुनगुना दूध लिया है, इसमें अपने केसर के रेसे डाल देंगे जो कि हमने 10-12 रेसे लिया है। इसमें हम शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकती हैं, कम ज्यादा मीठा जैसे खाते हैं उस हिसाब से। शक्कर डालने के बाद ये देखिए थोड़ा सा गीला हो गया है और इसे बराबर से चला देंगे। इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, 1 चम्मच घी फिर से डालेंगे इसमें। इसे बराबर से चला देंगे। अब हम इसमें केसर डालेंगे, जिन्हें केसर फुला के रखा था डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा कलर आता है। हलवा हमारा बन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ी देर लॉन्च पे चलाएंगे। ये देखिए हमारा हलवा बन करके तैयार है। इसमें अब हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इसे बराबर से मिक्स कर देंगे। ये इसको हमेशा बार बार चलाते रहिए, बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है, धीमी आंच पे ही पकाना है, नहीं तो बहुत जल्दी चिपकने लगता है। ये बन करके तैयार है, हम गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। ये हमारा बादाम का हलवा बन करके तैयार है।